बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज जब आप इस चीज़ में एक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में रहना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है. उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस कैरेक्टर के अंदर जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टर और सब जो आप में अंदर बिलीव करके आपको वो रोल दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लोग आपको पसंद करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑन दी अदर हैंड बींग एन इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हर चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है कि गलती से भी आप कुछ ऐसी गलती ना करते हैं जिसके वजह से वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाए. तो दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. बट टाइटल कैसे जान में आया, जैसे मिश्रा है, पांडे है, इन पर मिश्रा का मतलब तो देखिए जैसे गजल होती है, गजल में शेर होते हैं, जैसे लाइक हंगामा है कि ऊपर पर थोड़ी सी जो भी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, तो ये दोनों लाइनें अपने अपने आप में मिश्रा है. ये दोनों मिश्रे मिले हैं तब जाके एक शेर बना है, और दो चार शेर मिलते हैं तो फिर एक पूरी गजल बनती है. तो मैं जैसे आधी कोई गजल और तू मेरा मिश्रा है. लोगों को लग रहा है कि मिश्रा है, जैसे आपने बोला ना पांडे, तो ये मिश्रा नहीं है, ये मिश्रा है. और बहुत ही खूबसूरत अर्थ आपको भी पता लग गया होगा इस गाने का. तो अब आप इसको और अलग तरीके से सुनिएगा. ऐसा क्यों लगा आपको कि फनी नहीं हुए होंगे लेकिन सैड जरूर हुए होंगे? नहीं, तो लकीली सैड कुछ भी नहीं था, हमने बहुत खुशी खुशी गाना बनाया है और सब बहुत अच्छे मोमेंट्स थे. हम बहुत प्यारी जगह पे गए थे, सारी लोकेशंस बहुत ही अच्छे थे, ओरिजिनल थी, और बहुत अच्छे से हमने शूट किया. फनी मोमेंट आई थिंक अभी पहले एक जगह बता के आए कि एक जगह जहाँ पे होटल पे हमें रुकना था जाके, वो होटल हमें हॉन्टेड लग रहा था, तो हम बहुत डर रहे थे अंदर जाने से, बट जब हम अंदर गए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल था. तो बस ये सैड कुछ नहीं. ऋषि सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप दोनों का कैसा था उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं तो ये कहूँगा कि शूट कब हो के कब हो गया हम लोगों को भी पता नहीं चला, और लोकेशन बहुत अच्छी थी, और हमारे सर की फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी. ये सारी चीज़ें मतलब इतने प्यार से हो गई और इतना अच्छा गाना निकल के आ गया है. और हाँ, और जल्दी हम लोग का गाना बहुत जल्दी आने वाला था, मगर कुछ चीज़ें थी जो उस वजह से रुक गया था, मगर माशाल्लाह उस चीज़ बोलते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, तो इतना मीठा निकलेगा अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट मैंने अभी सारे यूट्यूब पर कॉमेंट्स भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने पॉजिटिव फीडबैक है, और इतने टाइम बाद हमारा गाना आया तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोगों को हमारा फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, हम लोगों को लोग ऑन स्क्रीन बहुत पसंद करते हैं, और माशाल्लाह हम लोगों की जुड़ी लोगों को ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी लगती है कि मतलब जब भी हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ आता है, तो लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं. और माशाल्लाह जन्नत तो इतनी सारे म्यूजिक वीडियोस कर लिया, मैंने भी इतने सारे अलग अलग म्यूजिक वीडियोस कर लिया अभी, मतलब हम लोग सारे देखे नहीं आप, बस हम लोगों को देखे ना, दोनों की काफी ज्यादा देखे, पर अच्छे लगते हैं. सही बोला, जोड़ी काफी अच्छी. थैंक यू. पर आप दोनों के अलावा किसी और के साथ हमें देखने मिलेगा, स्पेशली फैज़? अभी मैंने एक ग्रुप सॉन्ग किया हूं, और दो तीन सॉन्ग अभी लाइनअप में है जो शूट किया हूं, और अभी अगर आपको देखना है तो मैं आपको लिंक भेजता हूं यूट्यूब पे, मैंने और भी गाने किए हैं, आप भी एक बार देख लो. तो हाँ, मेरा भी एक नया गाना जो कल ही शूट रैप अप किया है वो आएगा दिसंबर में, मोस्टली 13 दिसंबर को आएगा. और बाकी अगले साल आप लोग मेरी फिल्म देखना ना. अच्छा से फैंस लोग ने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार किया हमारे सारे प्रोजेक्ट में, कि इतने कम टाइम्स में माशाल्लाह हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे व्यूज़ मिल जाते हैं और कमेंट्स मिल जाते हैं. बस ऐसी लोगों का प्यार बरकरार रहे और हमारा इंशाल्लाह और चीज़ें आएगी. थैंक यू सो मच. हाँ जी, स्पेशली जो हमारे लुक्स हैं आपने देखा होगा, वो कितने रिलेटेबल हैं और कितने कितने प्यारे हैं, और इससे पहले हमने ऐसा कभी लुक में ऐसा कुछ किया नहीं है. प्लस द लोकेशन, द वाइब, द सॉन्ग, एवरीथिंग ब्लेंड्स परफेक्टली, और हैंस आप देख लेंगे गाना कितना प्यारा और कितना सूदिंग लगता है सुनने में. कहीं ना कहीं जब आपको ये फर्स्ट टाइम रिसाइट किया होगा ये गाने के बारे में, क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं कल्चर
रिलीजन को आपने अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो थोड़ा अगर आप कुछ बताना चाहें, मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपने दिखाया है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कल्चर और रिलीजन, माशाल्लाह पूरा एक मोमेडियन वाइब था सॉन्ग में, जैसे कि आप देख सकते हो, और माशाल्लाह हम लोग दोनों भी मोमेडियन ही हैं, और बहुत अच्छा वाइब था क्योंकि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं, चीज़ें समझते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत बारीकी से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। एंड स्पेशली यार डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रे किया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस तरह से उसको शूट कर रहे हो, ऐसे सोच में तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को उस तरह से शूट करके प्रेजेंट करना इज़ द मेन थिंग, कि जिस तरह से हमने सोचा है वो उस तरीके से दिख भी रहा है या नहीं, बट उन्होंने पूरी तरह से। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे कॉस्ट्यूम, हमारा जो शूट का लोकेशन, वो जितना ज़्यादा मतलब हम लोग ने उतना उसको खुल के निखारा है और दिखाया है, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेबल है और लोगों को वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और पसंद आ रही है। मैं कल्चर की बात की है तो कितना फॉलो करती हैं जनरल कल्चर, अपने कल्चर को नज़दीकी से? हमारी बिल्कुल फॉलो करती हूँ, बिल्कुल फॉलो करती हूँ, बट आई लाइक टू कीप इट लोकी, मैं कभी उसकी बात मीडिया में ऐसे बाहर नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली फॉलो तो करती हूँ। एक हाथ से करो और एक हाथ से मत बताओ। नहीं नहीं हमने ये लॉकडाउन खुल गया था तब किया था, डेफिनेटली लॉकडाउन में कैसे ट्रैवल करके शूट करते, तो लॉकडाउन खुल गया। वेल यू नो शूट के लोकेशंस इतने अच्छे हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब यू नो दोनों को प्रोटोकॉल्स एंड ऑल फॉलो करके और किस तरह से, बिकॉज यू नो कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ। सही बात है, और हम लोग ने पूरी प्रिकॉशन के साथ में और हमारी टीम ने भी पूरी प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों ने पूरा शूट किया था। और लोकेशन की बात करूँगा तो लोकेशन शिमला की वादियाँ, तो उसकी बात ही अलग है, और वहाँ बहुत अच्छी ठंडी थी और बहुत मज़ा आया शूट करने में। मैं तो बोलता ही हूँ आपको कि मतलब शूट कब हो गया, कैसे हो गया, कुछ पता नहीं चला। तो सिर्फ शूट शूट था या फिर वैकेशन भी किया है और एंजॉय भी किया? Actually, है ट्रैवलिंग ज़्यादा था, बिकॉज हम मुंबई से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से हम शिमला गए, शिमला से भी हम ट्रैवल करके एक जगह गए थे जहाँ पे हमें ऐसा वाइब और ऐसा लोकेशन मिला, तो हमारा ट्रैवलिंग थोड़ा, हाँ तो ट्रैवलिंग थोड़ा मुझे मोशन सिकनेस भी, मगर मजा आई बहुत। थैंक यू गाइस।